तो दोस्तों अभी हम लोग ये जानेंगे कि क्राउनेक्स का बिजनेस मॉड्यूल क्या है। तो सबसे पहले ये जो कम्युनिटी है जिसने भी इस प्लान को जो डिजाइन किया है, तो उनका ये मानना है कि ये लार्जेस्ट कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो ये पीयर टू पीयर बिना ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बनाया जा रहा है। ये प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड है और कम्युनिटी बेस्ड बीएनबी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई बॉस नहीं है, ये 100% ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ पे छुपाई नहीं जाती है, हर एक चीज आपको ट्रांसपेरेंट होती है। और सिंपल और सिक्योर डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो बिनांस ब्लॉकचेन है वहां पे डिप्लॉय हुआ है। दोस्तों अभी हम लोग जानेंगे कि क्राउनेक्स किस तरह से काम करता है। दोस्तों जो कोई भी मेंबर क्राउनेक्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहा है और उसका जो कोई भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उस कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे दिए हुए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब डायरेक्ट स्पॉन्सर जो है यहाँ पे 10% जाता है, लेवल इनकम जो है 80% का है और डेवलपर को जो है यहाँ पे 10% का कंट्रीब्यूशन मिलता है। और इसके दूसरे जो फीचर्स हैं, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड है और यहाँ पे फुली सिक्योर्ड प्लान है और यहाँ पे प्रॉफिट जो है ज्यादा से ज्यादा, जो भी यहाँ पे इट्स प्योरली वर्किंग प्लान, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। और एक यूनिक बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे सिर्फ एक ही करेंसी यूज होती है, वो है बीएनबी, और दूसरी करेंसी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होती है। आप यहाँ पे बीएनबी से ज्वाइन करोगे और अर्न करोगे बीएनबी को। और यहाँ पे जो भी जो सिस्टम है, जो कम्युनिटी यहाँ पे जो बिल्ड हो रही है, यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट आपको यहाँ से मिलने वाला है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक्यूमुलेट करने के लिए आपके पास दो रास्ते हो सकते हैं। एक होगा जो आपका पर्सनल फंड्स जो आपके पास है उसको लगा के आप जो भी क्रिप्टो खरीदना चाहते हैं उस क्रिप्टो को आप खरीद सकते हो अपना पर्सनल फंड से। कि दूसरा जरिया आपके पास यह है कि आप छोटा सा छोटा अमाउंट यहाँ पे ज्वाइनिंग करें और अच्छी से अच्छी टीम बनाएं और उस टीम की मदद से आप यहाँ पे बीएनबी अर्न कर सकते हो। तो बीएनबी के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। देखिए दोस्तों मैंने अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने अभी वेबसाइट खोल रखा है कॉइन मार्केट कैप का। BNB कॉइन जो था दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 29 जुलाई 2017 लगभग 10 सेंट्स में ये ट्रेड हो रहा था। 10 सेंट्स माने लगभग मान लीजिए 7 या 7.5 रुपए। तो आज का प्राइस आप देख सकते हैं कि ये 4 साल में कितना बड़ा ग्रोथ यहाँ पे ये किया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि लगभग अभी का प्राइस जो है लगभग $385 पे ये ट्रेड कर रहा है। आगे का प्रेडिक्शन भी एक देखते हैं कि कितना ये आगे बढ़ सकता है। तो ये जो वेबसाइट मैंने खोल रखी है वैलेट इन्वेस्टर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका प्रेडिक्शन क्या है। प्रेडिक्शन अगर जाएगा जब कब तक 2023 तक भी अगर ये बढ़ेगा तो ये जा सकता है लगभग $780 से लेके $800 तक भी ये जा सकता है। मतलब एक साल में बहुत बड़ा ये ग्रोथ आपको देने वाला है, मतलब प्रॉफिट आपको यहाँ पे बना के देगा। क्राउनेक्स के माध्यम से आपको यहाँ पे बीएनबी अर्न करना है। दोस्तों प्लान प्रेजेंटेशन के वक्त हम बीएनबी का प्राइस जो है ₹40,000 पकड़ के चलेंगे। क्राउनेक्स जो प्रोग्राम है, जो प्लेटफॉर्म है, उसको बिनांस ब्लॉकचेन पे डेवलप किया गया है और यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट होगा वो इंडिपेंडेंटली अपने फंड को कंट्रीब्यूट करेगा क्राउनेक्स कम्युनिटी को। जैसे जो भी यूजर यहाँ पे अपना पेमेंट करेगा, अपनी आईडी एक्टिवेट होगी और उसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिसको जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो पहुंचना है वो बीएनबी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो अग्रीमेंट है, जो प्रोग्राम है, उसके हिसाब से सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे एक सूचना भी है कि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ना ये कोई इन्वेस्टमेंट बेस्ड ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये प्योरली एक कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे आपको गारंटीड रिटर्न्स नहीं देता है। क्राउनेक्स एक अग्रीड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मेंबर्स और क्राउनेक्स कम्युनिटी के बीच में होता है। और यहाँ पे जो भी मेंबर है इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूशन देता है और वहाँ पे बिना कोई एक्सपेक्टेशन के वो अपना कंट्रीब्यूशन क्राउनेक्स कम्युनिटी को देता है। और ये कोशिश भी वो करेगा कि यहाँ पे जो भी मैंने कंट्रीब्यूशन दिया है उसको मैं कैसे वापस लूँ। जो भी यहाँ पे मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन हो रहे हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इस प्लेटफॉर्म के कम्युनिटी मेंबर्स को पहुंच रहा है। क्राउनेक्स कोई कंपनी नहीं है, क्राउनेक्स एक कम्युनिटी है। तो क्राउनेक्स जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड इंटरमीडिएटरी है, तो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस। तो कम्युनिटी मेंबर्स को जो भी एल्गोरिदम जो लिखा गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, उसके हिसाब से क्राउनेक्स जो प्लेटफॉर्म है वो P2P के जैसे यहाँ पे काम करेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों अभी हम लोग जानेंगे कि ये प्लान किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कुल मिला के 5 साइकल्स होते हैं, जो पूल होते हैं। तो पहला पूल है वो है क्राउड पूल जो 2x4 का है और यहाँ का पैकेज जो है ये ज्वाइनिंग अमाउंट जो है 0.075 बीएनबी से। तो अगर इंडियन प्राइस में अगर मैं कहूँ तो लगभग ₹3,000 मान के चलिए। तो जो भी आप 0.075 अमाउंट आप यहाँ पे दे रहे हो ज्वाइनिंग के लिए, उसमें 0.025 जो है ज्वाइनिंग फी होती है। तो आपकी यहाँ पे एडी लग रही है 0.05 से,
तो जो भी यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है उसको यहाँ पे ज्वाइनिंग अमाउंट देना पड़ेगा जो 0.025 है। तो जैसे आपने 0.025 दे दिया, वो हो गया ज्वाइनिंग के लिए, और आपका जो पूल ओपन हो रहा है क्राउड पूल जो 0.05 से हो रहा है। तो दूसरा जो पूल है वो है क्विक पूल 2x3 का है, तो इसका एक्टिवेशन है 1 BNB का। तो तीसरा जो पूल है हमारा रैपिड पूल जो 2x3 का है, ज्वाइनिंग पैकेज है 5 BNB। और चौथा जो पूल है वो मेगा रैपिड पूल है जो 2x2 का है, यहाँ की जो एक्टिवेशन जो पैकेज है वो 10 BNB का है। और पांचवा और आखिरी इंटरेस्टिंग पूल है वो है हाइपर पूल, जिसका एक्टिवेशन पैकेज जो है 20 BNB। तो ये अमाउंट आपको ज्यादा दिख रहा है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे प्लान को आगे देखोगे तो आपको यहाँ पे ये 8 लाख रुपए भी जो है बहुत आसान लगेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3,000 से ज्वाइन करोगे और अर्निंग पॉसिबिलिटी जो है जो भी पांचों पोल है उसको अपग्रेड करते जाओगे। तो अपग्रेड किस तरह से होगा, दूसरे सिस्टम्स में हमने देखा है कि जो भी आपकी अर्निंग होती है तो उस अर्निंग के पूरा अमाउंट आपको अपग्रेड में देना पड़ता था, लेकिन इस सिस्टम में जो भी है, जो भी खामियां थी पिछले बहुत सारे प्लान्स में, उसको हटा के आपका जो भी इनकम बन रहा है उसका आधा, मतलब उसका 50% अपग्रेड में जाएगा और 50% आपके पॉकेट में जाएगा। और सर वो प्लान को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको, जो भी वीडियो देख रहे हैं या आगे इसको ज्वाइन करना भी चाहते हैं, तो उनको अपने मोबाइल में आपको ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको BNB जो भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं जैसे वाजिरएक्स है, ज़ेप्पे है, CoinDCX है, CoinSwitch कुबेर है, उसी के साथ साथ और बिनांस भी है, क्योंकि BNB कॉइन हर एक्सचेंज में है। आपके सहूलत के हिसाब से आप BNB खरीद लीजिएगा और उस BNB को आप ट्रांसफर कीजिए ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में। जैसे वहां पर ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में एक में ट्रांसफर कर लिया तो कोई भी रेफरल लिंक से आप उसको अपनी ज्वाइनिंग में यूज कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जानेंगे कि प्लान किस तरह से काम करता है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे पहला पूल जो है वो होता है क्राउड पूल, और यहाँ की जो ज्वाइनिंग है 0.075 BNB की है, लगभग मान लीजिए 3,000 रुपए की है। तो जैसे आपने पे किया 0.075, आपका ज्वाइनिंग हो गया और आपका एक पूल ओपन हो गया 0.05 BNB से। तो यहाँ पे 4 लेवल होते हैं, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो Level 1, Level 2 और Level 3 और Level 4। तो जैसे ही आपने पेमेंट किया, देखिए लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे पोजीशन जो है टॉप में है, तो आपका यहाँ पे टॉप में है तो आप Level 1 में भी आप ही हो, तो Level 1 में भी आप ही रहोगे। तो जैसे ही आपने पहले बंदे को रेफर किया, लेट से फॉर एग्जाम्पल आपने ये को रेफर किया, तो ये से आपको कितने मिल रहे हैं, ये से आपको मिल रहे हैं 0.05 BNB। उसके साथ साथ आपने मान लीजिए बी को रेफर किया, बी से भी आपको 0.05 BNB मिल रहे हैं। तो आपने 2 बंदों को रेफर किया और आपकी इनकम हो गई 0.1 BNB, मतलब 4,000 रुपए। और उसके साथ साथ आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर जो है 0.01, अगर आपने डायरेक्ट ही स्पॉन्सर किया है दोनों को, तो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम बन रहा है 10%, वो होता है 0.01 BNB, लगभग 400 रुपए। तो टोटल जो लेवल अर्निंग जो हो रही है आपकी 80% की, 0.08 BNB। तो जैसे आपने पहला लेवल कंप्लीट कर लिया तो Level 1 कंप्लीट आपका खत्म। इसके बाद आप अपग्रेड कर जाओगे Level 2 पे। तो Level 2 पे अपग्रेड किस तरह से होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने अर्निंग की है 0.08 BNB की, तो इसका आधा मतलब 50% आप दोगे Level 2 के लिए, तो आपको देना भी नहीं है, ये ऑटो अपग्रेड हो जाता है। तो 0.08 BNB का आधा आपके ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क में पहुंच जाएगा, और बचा जो भी अमाउंट है 0.04, उसका आधा यहाँ पे सेकेंड लेवल पे अपग्रेड हो जाएगा। जैसे सेकेंड लेवल पे अपग्रेड हो जाएगा, आपका पोजिशन टॉप में रहेगा, आपके नीचे 4 स्पॉट्स रहेंगे। तो जैसे ये स्पॉट्स कौन फिल करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपका एक ट्री बना हुआ है, इस ट्री में आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया है, तो यहाँ पे जो स्पॉन्सर जो आपने 2 किए हैं यहाँ उनके नीचे जो 4 स्पॉट्स होते हैं, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे सी को रेफर किया तो सी जो है आ गया ये के नीचे, तो ये को जाएगा, मतलब ये ने किसी को रेफर नहीं किया फिर भी ये को जाएगा 80%, और 10% जाएगा आपको क्योंकि आपने इसको स्पॉन्सर किया है। ये होता है स्पिल। आपका अपलाइन अगर एक्टिवली काम कर रहा है तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके नीचे बिजनेस आपका अपलाइन भी डाल सकता है। अगर मान लीजिए मैंने, मतलब आपने चौथे बंदे को रेफर किया, मान लीजिए डी को आपने रेफर किया, तो डी का अमाउंट भी जो है 80% जाएगा ये को और 10% जाएगा आपको क्योंकि आप ही ने इसको स्पॉन्सर किया है। तो लेवल इनकम होता है ये, यहाँ पे देखिए ये ने आपके नीचे ज्वाइनिंग तो कर ली लेकिन यहाँ पे उसने स्पॉन्सर नहीं किया, लेकिन जो भी बिजनेस आपने डाला वो स्पिल बन के ये के नीचे आ गए, और ये को बिना कुछ काम किए ये ने अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया और यहाँ से 80% और 80% अर्निंग उसकी हो गई। जैसे उसका पहला लेवल कंप्लीट हो गया वो आएगा आपके नीचे Level 2 पे। Level 2 पे जैसे ही आएगा तो आपको यहाँ पे ये कितना दे रहा है, ये आपको 0.04 BNB यहाँ पे वो अपग्रेड करके आपको इनकम दे रहा है। तो इसके बाद मान लेते हैं कि बी ने सिर्फ एक बंदे को रेफर किया, B1,
तो बी वन उसके नीचे आ गया, तो बी को गया 80%, ठीक है, और प्लस 10% जाएगा बी को, क्योंकि बी ने ही इसको रेफर किया है, तो इसको मिल रहा है 90%। तो उसके नीचे बी ने तो अपना दूसरा नहीं डाला, लेकिन उससे पहले बी वन ने अपने दोनों स्पॉट्स फिल कर लिए। जैसे बी ने अपने दोनों स्पॉट्स फिल कर लिए और बी ने कंप्लीट किया अपना फर्स्ट साइकिल, यहाँ पे एडवांटेज देखिए क्या होता है कि आपके ट्री में जो कोई भी बंदा अपना लेवल वन कंप्लीट करता है वो फॉलो करता है उसके अपलाइन को। अगर अपलाइन अपग्रेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी ने अपना सेकेंड किसी को रेफर नहीं किया है, और बी वन डायरेक्टली आएगा आपके नीचे और आपको देगा 0.04 PNB। तो आपके नीचे जो कोई भी बंदा अपने दो करेगा, वो आके चारों के चारों स्पॉट्स कंप्लीट करके आपको यहाँ पे 0.16 BNB देगा। तो आपका अगर डायरेक्ट कोई है तो आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर जो है 0.016 BNB मिलेगा। तो टोटल 80% जो इनकम होने वाला है वो होता है 0.128 BNB, तो लगभग मान के चलिए 5,120 रुपये। उसके बाद जैसे आपने सेकेंड लेवल कंप्लीट किया, आपके चारों स्पॉट्स फिल हो गए, तो ये आपका लेवल टू खत्म और आप डायरेक्टली आप अपग्रेड कर जाओगे लेवल थ्री पे। तो लेवल थ्री पे आप अपग्रेड किस तरह कर रहे हो, लेवल टू में देखिए जैसे आपकी अर्निंग हो गई 0.128 BNB, तो उसका आधा, उसका 50% जाएगा थर्ड लेवल पे और 50% जाएगा आपके वैलेट पे। तो ये ऑटो अपग्रेड है दोस्तों, और ऑटो अपग्रेड का एडवांटेज ये है कि आपकी टीम को आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको अपग्रेड करना है, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटेड है और यहाँ पे जो भी अर्निंग हो रही है आपको ऑटो अपग्रेड होके ही बचा अमाउंट जो है आपके वैलेट पे पहुंच रहा है। तो जैसे आपने थर्ड लेवल क्वालिफाई कर लिया, तो थर्ड लेवल की जो कॉस्ट है 0.064 BNB, तो यहाँ पे देखिए जैसे पहले लेवल पे दो लोग थे, दूसरे लेवल में आपके नीचे चार लोग थे, तीसरे लेवल पे आपके नीचे आठ लोग होंगे। ये आठ लोग कौन होते हैं, देखिए सेकेंड लेवल में जो चार लोग थे ये अपने चार चार कंप्लीट करेंगे, मतलब अपना सेकेंड लेवल जो कोई भी यहाँ पे पहले कंप्लीट करेगा वो आएगा आपके लेवल थ्री के पहले स्पॉट पे, और वो आएगा और आपको देगा 0.064 BNB। और इसी तरह यहाँ पे कोई भी आपका अपलाइन या उसका अपलाइन या ग्लोबल टीम कोई भी आके आपका ये आठ के आठ स्पॉट जो हैं वो फिल करेंगे, और आपका टोटल इनकम होगा या इस लेवल से वो होता है 0.512 BNB। तो लगभग इंडियन रुपीज में मान के चलें कि 20,720 रुपये। तो आपने यहाँ पे किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है तो वहां पे आपको मिलने वाला है 0.0512 BNB। तो टोटल लेवल अर्निंग जो आपकी यहाँ पे होने वाली है वो होती है 0.4096 BNB, तो लगभग मान के चलिए 16,000 रुपये। तो जैसे आपके यहाँ पे थर्ड लेवल आपने कंप्लीट कर लिया, तो इसका 50% जाएगा फोर्थ लेवल पे। तो फोर्थ लेवल में क्या होता है, फोर्थ लेवल में आपके नीचे 16 स्पॉट्स होते हैं। तो थर्ड लेवल में जो भी अर्निंग आपने की थी उसका 50% जाएगा आपके वैलेट में, और 50% मतलब 0.2 BNB जाएगा फोर्थ लेवल पे। तो फोर्थ लेवल जैसे आपने अपग्रेड किया, तो यहाँ पे भी देखिए लेवल थ्री पे जो भी आपके लोग हैं, जो भी ये लेवल कंप्लीट करेंगे, मतलब अपने आठ आठ जो भी लोग कंप्लीट करेंगे वो पहले आके बैठेंगे आपके लेवल फोर पहले स्पॉट पे। तो यहाँ का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कोई भी एक्टिवली काम करेगा, जो कोई भी फास्ट काम करेगा, वो यहाँ पे पहले स्पॉट पे होगा। पहले स्पॉट पे होने का मतलब ये है कि जैसे ही ये लेग कंप्लीट करेगा तो अपलाइन का जो भी स्पिल ओवर आने वाला है वो आप ही के नीचे आने वाला है। आपका जैसे कंप्लीट होगा तभी जाके दूसरा स्पॉट को फिल करेगा ऑटो स्पिल। तो एक एडवांटेज होता है कि हम अपने अपलाइन के पहले स्पॉट पे रहें। तो जैसे ही दोस्तों आपने 16 स्पॉट्स भी कंप्लीट कर लिए आपके डायरेक्ट से या आपके स्पिलओवर से या आपके ट्री में जो भी आपका डाउनलाइन है उसके जरिए आपने 16 स्पॉट्स कंप्लीट कर लिए और आपका ये खत्म हो गया लेवल फोर। तो जैसे लेवल फोर आपका कंप्लीट होता है तो आपका यहाँ पे इनकम जो हो रहा है, टोटल इनकम जो हो रहा है 3.2 BNB, मतलब 1,28,000 रुपये। तो यहाँ पे अगर कोई भी आपका स्पॉन्सर है तो स्पॉन्सर इनकम यहाँ पे आपको 0.32 BNB, और आपका टोटल लेवल इनकम जो यहाँ पे होने वाला है वो होता है 2.56 BNB, तो लगभग मान के चलिए 1,03,000 रुपये। तो एक ही साइकिल से तो आपने कितना इन्वेस्ट किया था यहाँ पे, यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया था सिर्फ 3,000 रुपये। तो इनकम आपने यही चार साइकिल से आप यहाँ पे इनकम कर पा रहे हो वो हो रहा है 1,03,000 रुपये। तो जैसे ही ये आपने क्राउड पूल कंप्लीट कर लिया, आपकी टोटल अर्निंग हो चुकी है 3.1776 BNB, लगभग 1,27,004 रुपये। तो टोटल अब क्योंकि यहाँ पे आपने अर्निंग की है तो आपने अपग्रेड भी किया है, तो टोटल अपग्रेड आपने किया है 0.354 BNB, लगभग 14,000 रुपये का आपने अपग्रेड किया है, और आपका नेट लेवल अर्निंग जो है वो 2.8236 BNB, लगभग 1,12,000 रुपये यहाँ से आपने अर्न किया है। तो जैसे आपने इतना अर्न किया तो आपको ये ऑटो अपग्रेड हो जाएगा क्विक पूल में। तो क्विक पूल की ज्वाइनिंग मतलब एक्टिवेशन कितना है, 1 BNB।
तो 2.82 बीएनबी में से 1 बीएनबी ऑटो अपग्रेड हो जाएगा क्विक पूल के लिए, और बचा 1.8236 बीएनबी में से 0.05 बीएनबी जाएंगे आपके रिसाइकल के लिए, मतलब आपका लेवल वन फिर से रिसाइकल हो जाएगा 0.05 से, और बाकी का जितना भी अमाउंट है वो आपको जो भी वैलेट आप यूज कर रहे हो वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो अभी हम लोग जानेंगे कि क्विक पूल किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों क्विक पूल में जो है सिर्फ तीन लेवल होते हैं, जैसे हमने पिछले लेवल में देखा क्राउड पूल में चार लेवल होते हैं, तो यहाँ पे क्विक पूल में सिर्फ तीन ही लेवल होते हैं, 2, 4 और 8। तो स्ट्रक्चर उसी तरह बनता है, जो कोई भी पहले अपना क्राउड पूल कंप्लीट करेगा वो आएगा आपके नीचे। तो ऑलरेडी आपने 1 BNB से अपग्रेड किया तो आप रहोगे टॉप पे, आपके नीचे जो भी अपग्रेड करके आपका डाउनलाइन या आपके ट्री में जो कोई भी हो सकता है, आपका डायरेक्ट ही नहीं आपका इनडायरेक्ट या स्पिल कोई भी हो सकता है, जो कोई भी आया वो आपका पहला स्पॉट फिल करेगा, और जो कोई भी आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और यहाँ पे और एक एडवांटेज है कि आपकी पैरेलल टीम से भी आपको यहाँ पे स्पिल ओवर मिलने वाला है, हर एक स्पॉट यहाँ पे फिल होने से आपको मिल रहे हैं 1 BNB। तो दोनों स्पॉट फिल हो गए, मतलब आपका पहला लेवल कंप्लीट हो गया, तो आपको यहाँ से टोटल इनकम जो हो रही है आपकी 2 BNB हो रही है, और डायरेक्ट स्पॉन्सर अगर आपने खुद इनको स्पॉन्सर किया है तो आपको यहाँ पे इनकम मिलने वाला है 0.2 BNB, और टोटल लेवल अर्निंग जो हो रही है वो 1.6 BNB। अगर ये दोनों आप ही के डायरेक्ट है तो टोटल अर्निंग जो है ऑलमोस्ट 90% होने वाली है आपकी, मतलब 1.8 BNB भी हो सकती है अगर वो आपके डायरेक्ट है। अगर वो आपके इनडायरेक्ट हैं तो आपको यहाँ पे इनकम हो रही है 1.6 BNB। तो जैसे ही 1.6 BNB आपने यहाँ पे अर्निंग कर ली, तो इसका आधा, इसका 50% अपग्रेड हो जाएगा लेवल 2 पे, और इसका 50% आपके वैलेट पे पहुंच जाएगा। तो जैसे आपने लेवल 2 पे आप पहुंच गए हो, वहां पे आपके नीचे चार स्पॉट्स होते हैं, तो चार स्पॉट्स पिछले लेवल की तरह जो कोई भी अपना लेवल 1 कंप्लीट करेगा क्विक पूल में वो आएगा आपके लेवल 2 पे। तो लेवल 2 में भी आपका ये डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, स्पिल हो सकता है, टॉप टू बॉटम हो सकता है, या बॉटम टू टॉप हो सकता है, या फिर पैरेलल टीम से कोई यहाँ पे आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे आपने चारों स्पॉट फिल कर लिए तो हर एक स्पॉट से आपको 0.8 BNB मिल रहे हैं, तो टोटली चार लोग हैं, तो टोटल अर्निंग जो है आपकी यहाँ पे हो रही है वो होती है 3.2 BNB। यहाँ पे अगर आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किसी को किया है तो वो 0.32 BNB होता है, तो टोटल अर्निंग जो होती है आपकी यहाँ पे 2.56 BNB, तो लगभग 1,02,000 रुपए यहाँ पे आपकी अर्निंग हो रही है। तो जैसे आपने 2.56 BNB की अर्निंग कर ली सेकंड लेवल से, तो इसका 50% से आपका ऑटो अपग्रेड हो जाएगा थर्ड लेवल पे, जिसका अमाउंट है 1.28 BNB। तो बाकी का जो भी अमाउंट होगा वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड लेवल में आपके नीचे 8 लोग होते हैं, तो जो लोग भी अपना लेवल 2 कंप्लीट करेंगे, अपने चार चार कंप्लीट करेंगे, वो आएंगे आपके लेवल 3 पे, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपका डायरेक्ट ही आपके आपको फिल करेगा, इस तरह का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो कोई भी पहले ये सिस्टम को ज्वाइन करेगा, दुनिया के जितने भी लोग आपके बाद ज्वाइन करेंगे वो आपके नीचे ही होने वाले हैं, क्योंकि स्पिल ओवर आपको कहीं से भी आ सकता है। थर्ड लेवल का जो कॉस्ट है 1.28 BNB, तो यहाँ पे 8 स्पॉट्स, तो 8 स्पॉट में से कोई भी पहला बंदा यहाँ पे आएगा वो देगा आपको 1.28 BNB। तो यहाँ पे 8 लोग होंगे, जैसे ही आपने 8 लोगों को कंप्लीट कर लिया, आपका लेवल कंप्लीट हो गया और आपकी टोटल इनकम भी वहाँ पे बन रही है 10.24 BNB। तो डायरेक्ट स्पॉन्सर अगर आपने किसी को किया है तो 1.024 BNB होता है। तो इसका कॉस्ट अगर आप INR में देखें तो लगभग 40,000 रुपए आपने यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट स्पॉन्सर से आपने अर्न किया है। लेवल अर्निंग जो है 8.192 BNB, लगभग 3,25,000 रुपए हो सकते हैं। तो टोटल लेवल अर्निंग जो है इस लेवल से, मतलब क्विक पूल से टोटल लेवल अर्निंग जो है आपकी 12.35 BNB, लगभग 4,90,000 रुपए यहाँ पे आपने अर्न किया है। तो आपने अपग्रेड भी किया है, टोटल अपग्रेड आपने किया है 3.08 BNB का, और नेट लेवल अर्निंग जो है आपने यहाँ पे की है 9.27 BNB, तो लगभग 3,70,000 रुपए आपने यहाँ से अर्न किया है क्विक पूल से। तो जैसे यहाँ पे क्विक पूल ने आपने 9.27 BNB आपने अर्न किया, तो यहाँ से आपका ऑटो अपग्रेड हो जाएगा रैपिड पूल में जो 5 BNB का है, तो बचे 4.27 BNB। तो यहाँ से फिर से आपका रिसाइकल होगा, और आपका ट्री के नीचे जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसके नीचे आप जाके बैठोगे, और वहां पे फिर से आपका 1 BNB से आपके अपग्रेड करोगे, फिर से आपका लेवल 1 चालू होगा। तो जैसे दोस्तों आपने देखा कि रैपिड पूल ये 2x2 का है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवल होते हैं, तो लेवल 2 है इनकम बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग अमाउंट है वो 5 BNB, मतलब 2 लाख रुपए का है। तो यहाँ पे देखिए पहला लेवल है आपके नीचे, यहाँ पे 2 स्पॉट्स होंगे, ये 2 स्पॉट्स कोई भी हो सकता है, जो कोई भी रैपिड पूल पहले एक्टिवेट करेगा, आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या कोई भी हो सकता है, जो कोई भी यहाँ पे आएगा वो देगा आपको 5 BNB। और दूसरा स्पॉट्स भी आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या कोई भी हो सकता है, जो कोई भी यहाँ पे आएगा वो देगा आपको 5 BNB। तो एक आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग अमाउंट
5 BNB दिया था, लेकिन आपकी दो मेंबर से आपका इनकम बन रहा है 10 BNB का। और यहाँ पे अगर किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर अगर आपने किया है तो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम जो है 1 BNB हो रहा है दोस्तों। दोस्तों ये 10% जो है, ये 10% जब भी आपका डायरेक्ट, जब भी वो अपग्रेड करेगा, जब भी वो रिसाइकल होगा फिर से आएगा तब भी वो 10% देगा, जब भी वो अपग्रेड करेगा तब भी वो 10% देगा। आप ये मत सोचिएगा कि वो किसके नीचे है, वो वहां बैठा है, वो किसी और के नीचे है, मुझे 10% कैसे आएगा। वो चाहे किसी के भी नीचे जाके बैठे, लेकिन 10% जो है आप ही को आना है, क्योंकि आप ही ने उसको स्पॉन्सर किया है। क्योंकि 10% पहले साइकिल में हमने देखा था वहां पे आपको बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन जैसे आपके साइकिल्स बढ़ते जाएंगे वहां पे आपका 10% बहुत बड़ा इनकम बन के निकल सकता है। यहाँ पे देखिए, सिर्फ पहले लेवल से आपकी यहाँ पे इनकम हो गई 10 BNB और 1 BNB आपकी यहाँ पे डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम है, और लेवल अर्निंग जो है आपकी यहाँ पे 8 BNB की है, मतलब 3,20,000 रुपए आपने सिर्फ दो लोगों से अर्न किया है। तो इस 8 BNB से आपका क्या है, 50% जाएगा नेक्स्ट सेकेंड लेवल एक्टिवेशन के लिए और 4 BNB आपके वॉलेट में चला जाएगा। तो सेकेंड लेवल पे सिर्फ 4 लोग, जो कोई भी अपने पहले लेवल, मतलब जो भी अपने 2 कंप्लीट करेगा वो आएगा फॉलो करते हुए आपके नीचे, तो आपके चारों स्पॉट्स फिल होते जाएंगे। जैसे चारों स्पॉट फिल हो गए तो यहाँ से हर एक बंदे से आपको 4-4 BNB मिलेंगे। तो 4 बंदे हैं तो 16 BNB की अर्निंग यहाँ पे आपकी हो रही है। तो 1.6 BNB आपकी यहाँ पे 10% की डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम बन रही है, और लेवल इनकम जो है आपका यहाँ पे 12.8 BNB, लगभग 5,12,000 रुपए की लेवल इनकम यहाँ पे आपकी बन रही है। तो टोटल अर्निंग जो आपकी यहाँ पे हो रही है वो 20.8 BNB, मतलब 8,30,000 रुपए लगभग आपके यहाँ पे हो रहे हैं। तो टोटल अपग्रेड जो आपने यहाँ पे किया है 9 BNB का, मतलब 3,60,000 का अपग्रेड आपने किया है, लेकिन नेट लेवल अर्निंग जो आपने यहाँ पे की है वो होती है 11.8 BNB। अब मान के चलिए 4,17,000 रुपए, तो इतनी बड़ी इनकम आपने यहाँ पे अर्न किया है। तो जैसे आपका ये लेवल खत्म हुआ, जो भी अर्निंग यहाँ पे आपने की थी, तो इसका फिर से रिसाइकल होगा और आपका 5 BNB फिर से रिएक्टिवेट होगा आपका रैपिड पूल, और फिर से आपका लेवल 1 चालू होगा। फिर से वही लोग जो कंप्लीट किए हैं अपने 4, वो आके आपके नीचे बैठेंगे और फिर से आपको उतना ही इनकम देंगे जो लेवल 1 में उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट पूल है वो होता है मेगा रैपिड पूल है। तो यहाँ पे सिर्फ क्राउड पूल और क्राउड पूल से क्विक पूल ऑटो अपग्रेड है, क्विक पूल से लेके रैपिड पूल ऑटो अपग्रेड है, लेकिन रैपिड पूल के बाद जो मेगा रैपिड पूल है वहाँ पे ऑटो अपग्रेड नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो ज्वाइनिंग अमाउंट है वो होती है 10 BNB की। 10 BNB एक बड़ा अमाउंट है, यहाँ पे एक पॉपअप होगा, वहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो जाके उस पॉपअप को आप क्लिक कीजिए, तब जाके आपका पेमेंट होगा। नहीं तो आप यहीं पे अपने आप को रोकना चाहते हैं तो आप यहीं पे रैपिड पूल पे ही रुक सकते हैं। अगर आप बड़ी इनकम करना चाहते हैं तो आप जा सकते हो मेगा रैपिड पूल में। तो जो भी अर्निंग आपने की थी 10 BNB देके मेगा रैपिड पूल मैन्युअली आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो जैसे ही मेगा रैपिड पूल आपने अपग्रेड कर लिया, तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम है जैसे रैपिड पूल में था, सिर्फ 2 ही लेवल होते हैं। तो पहले लेवल में जो कोई भी पहले अपना रैपिड पूल कंप्लीट किया है वो अपग्रेड करेगा, वो आएगा आपके नीचे और आपको हर एक बंदे से 10 BNB मिलेंगे। मतलब आपके नीचे 2 स्पॉट्स हैं, तो पहला बंदा आया, ये कोई भी हो सकता है, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल कोई भी हो सकता है, आपको पहले बंदे से 10 BNB, दूसरे बंदे से 10 BNB, तो 2 लोगों से आपको 20 BNB की इनकम हो रही है, लगभग 8,00,000 रुपए। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम देखिए यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग, 2 BNB की डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम है, लगभग 80,000 रुपए। तो टोटल लेवल अर्निंग जो है आपकी 80% की वो होती है 16 BNB की, 6,40,000 रुपए की आपकी लेवल अर्निंग है। तो जैसे आपने 16 BNB आपने यहाँ पे पहले लेवल से अर्न कर लिया, आपने कंप्लीट कर लिया अपना लेवल 1, तो जैसे ही लेवल 1 कंप्लीट हुआ आप अपग्रेड कर जाओगे लेवल 2 पे। जो अर्निंग आपने की है 16 BNB, उसमें से आधा, मतलब 50% जाएगा लेवल 2 के अपग्रेड में, मतलब 8 BNB, और बचे 8 BNB जाएंगे आपके वैलेट पे। तो लेवल 2 में जैसे पिछले साइकिल की तरह यहाँ पे आपके नीचे 4 लोग होते हैं, तो ये 4 लोग कौन होते हैं, कहाँ से आएंगे? तो जो लोग अपना मेगा रैपिड पूल का पहला लेवल कंप्लीट करेंगे वही लोग आके आपके नीचे लेवल 2 में होंगे और लेवल 2 आपका कंप्लीट करके देंगे। तो लेवल 2 में हर एक बंदे से आपको 8-8 BNB मिलेंगे और 4 मेंबर्स से आपको यहाँ पे 32 BNB मिलेंगे, लगभग 12,80,000 रुपए। तो वहाँ पे देखिए 10% जो इनकम यहाँ पे मिलने वाला है वो होता है 3.2 BNB, और आपकी टोटल लेवल अर्निंग जो हो रही है वो होती है 25.6 BNB, तो लगभग 10,24,000 रुपए। तो टोटल जो अर्निंग आपने यहाँ पे की है वो होती है 41.6 BNB,
लगभग 16,60,000 रुपए की अर्निंग आपने यहाँ पे की है, तो टोटल अपग्रेड आपने किया है 18 BNB का, तो नेट लेवल अर्निंग जो होता है वो यहाँ पे 23.6 BNB, मतलब 9,40,000 के करीब वहाँ पे आपने अर्निंग कर ली है। तो फिर से जैसे आप यहाँ पे अर्निंग कर ली, तो आपका इसमें से 10 BNB फिर से रिसाइकल होगा और आप जाओगे लेवल 1 पे। तो जैसे लोग लेवल 2 कंप्लीट करेंगे, फिर से उनका रिसाइकल होगा, वो आएंगे लेवल 1 में। तो इसी तरह ये रोटेशन होता रहे, जैसे आपने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया जाओगे लेवल 2 पे, लेवल 2 जैसे ही कंप्लीट कर दिया फिर से आप आओगे लेवल 1 में। तो ये रिसाइकल्स अनलिमिटेड होते ही रहेंगे। तो जैसे आपने मेगा रैपिड पूल कंप्लीट कर लिया, तो आपकी इनकम बन गई 23.6 BNB, तो उसमें से 10 BNB जो है आपका रिसाइकल होगा पहला लेवल। अगर आपको हाइपर पूल में अपग्रेड करना है, तो आपको फिर से एक पॉपअप आएगा, वहां पे आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि नहीं मुझे अगले लेवल पे जाना है। अगर आप अपने आप को सीमित करना चाहते हैं मेगा रैपिड पूल पे, तो आप यहीं पे रह सकते हो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो हाइपर पूल पे आप अपग्रेड करके जा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप अपग्रेड करना है तो आपको 20 BNB देना है। दोस्तों, वीडियो के शुरू में ही मैंने कहा था कि वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी रात की नींद उड़ा सकता है। दोस्तों, वो है हाइपर पूल। अब तक जो भी प्लान आपने देखा, आपके दिमाग में ये चीज आई होगी कि जितने भी डायरेक्ट जो आप स्पॉन्सर कर रहे हैं उसका लेवल कमीशन जो है आपका डाउनलाइन या किसी और को जा रहा है, लेकिन आपको उन्हीं डायरेक्ट से कितना बड़ा इनकम हाइपर पूल से आने वाला है, ये आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। जितने ज्यादा डायरेक्ट उतनी बड़ी इनकम। दोस्तों, ये है हाइपर पूल का धमाका। दोस्तों, मान लेते हैं कि आपने मैन्युअली अपग्रेड किया हाइपर पूल में 20 BNB से, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही लेवल होता है, आपके नीचे दो। तो एक एग्जाम्पल के तौर से लेते हैं कि ये आपका ट्री है, आपकी पोजिशन है टॉप पे, तो आपके नीचे दो स्पॉट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइपर पूल में सिर्फ एक ही लेवल होगा, आपके नीचे सिर्फ दो ही लोग, एक ही लेवल है। तो आप टॉप पे हो, आपके नीचे दो स्पॉट्स हैं। तो मान लेते हैं कि आपने अब तक 20 लोगों को स्पॉन्सर किया है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि 20 लोगों में से सिर्फ 10 लोग काम कर रहे हैं। जो 10 एक्टिव लीडर्स अगर आपकी टीम में है, तो उनसे कितनी बड़ी इनकम हो सकती है आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। आपका ये ट्री है, तो आप ऊपर हो, आपके नीचे मान लेते हैं कि आपका डायरेक्ट, क्योंकि हाइपर पूल में भी जो है ग्लोबल की टीम भी आके आपको इनकम यहाँ पे दे सकती है। अगर मान लेते हैं कि आपका ही डायरेक्ट ये यहाँ पे आ गया, तो जैसे ये आया आपको यहाँ पे 20 BNB मिल रहे हैं। तो उसके बाद मान लेते हैं बी आप ही का डायरेक्ट है, तो वो भी अपग्रेड कर गया और वो भी आ गया हाइपर पूल में, तो आपका हाइपर पूल का एक लेवल कंप्लीट हो गया। तो इन दोनों से जो आपकी इनकम होने वाली है 40 BNB, तो 40 BNB में से देखिए दोस्तों ये और बी आप ही के डायरेक्ट हैं, तो इन दोनों से जो 10% डायरेक्ट स्पॉन्सर बोनस जो होने वाला है वो होता है 4 BNB, और लेवल अर्निंग बोनस जो है 80% वो होता है 32 BNB। तो 32 BNB दोस्तों 12,80,000 रुपए। तो कुल मिला के देख लीजिए कि टोटल लेवल अर्निंग जो है आपकी 32 BNB, 20 BNB आपने यहाँ पे अपग्रेड किया है, और नेट लेवल अर्निंग्स जो है 12 BNB है। 12 BNB दोस्तों यहाँ पे इसीलिए बताया जा रहा है कि 32 BNB में से 20 BNB फिर से आपका रिसाइकल हुआ है। तो 12 BNB जो आपकी नेट लेवल इनकम हुई है, ये लेवल इनकम है। अगर मान लीजिए आपने दो स्पॉन्सर भी किए हैं ऑलरेडी, तो उसका 4 भी अगर ऐड कर लेंगे, तो आपका 16 BNB की अर्निंग सिर्फ हाइपर पूल से हो रहा है। तो दोस्तों, आपने एक साइकिल तो कम्प्लीट कर लिया, तो उसके बाद आपके नीचे दो बंदे जो है ए और बी, उनके नीचे भी दो दो का स्लॉट्स खाली रहता है, मतलब 4 लोगों का स्लॉट्स खाली रहते हैं। जो आप अपना लेवल कंप्लीट कर गए, तो सिस्टम क्या करेगा, आपको फिर से ए के नीचे प्लेस करेगा। क्राउनेक्स को इस तरह डिजाइन किया है, और हाइपर पूल को स्पेशली इस तरह डिजाइन किया है, जो भी प्लेसमेंट्स टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट प्लेस होती है। तो मान लीजिए आप ए के नीचे आ गए, तो ए को 20 BNB गए, ठीक है, और ए के जो राइट में जो है मान लेते हैं कोई ग्लोबल टीम से रेड आ गया, तो उसके बाद ये का क्या है, वो अपना साइकिल कंप्लीट कर गया, और ये की प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट होना उतना ही एडवांटेज है। अगर ये अपना साइकिल कंप्लीट कर गया, वो बी के नीचे नहीं जाएगा। सिस्टम ये देखेगा जब भी कोई साइकिल कंप्लीट करता है या जब भी कोई अपग्रेड करके आता है, ये जो ट्री है उसमें उसके अपलाइन को ढूंढता है। अगर उसका अपलाइन जहां पे भी है, उसके नीचे जो भी वेकेंट प्लेस है, प्लेसमेंट उसकी हो जाती है। तो ये जो है फिर से आपके नीचे आ गया, फिर से आपको 20 BNB दे रहा है। तो बी के नीचे तो दो स्पॉट्स खाली हैं, तो बी का जो पहला स्पॉट है, मान लेते हैं ग्लोबल टीम से कोई आ गया, बी को 20 BNB मिले, तो आपके 20 डायरेक्ट थे, 20 डायरेक्ट में से 10 लोग ही काम कर रहे हैं, तो दो बंदे ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए हैं हाइपर पूल में, और 8 बंदे हैं, और 8 बंदों में से मान लीजिए कोई और एक बंदा आ गया, मान लेते हैं सी, तो सी का अपलाइन आप हो, तो ढूंढेगा आप सी का अपलाइन कौन है, आपका प्लेसमेंट कहाँ है, अगर वेकेंट है
तो सी को आपके नीचे प्लेस करेगा। तो देखिए आपने फिर से एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, तो फिर से आपकी जो इनकम है 16 BNB, क्योंकि दो भी आप ही के डायरेक्ट हैं। तो जैसे आपने लेवल कंप्लीट कर लिया, आप फिर से प्लेसमेंट आपकी हो जाती है बी के नीचे, क्योंकि बी के राइट साइड में वेकेंट प्लेस है। तो आपकी प्लेसमेंट तो फिर से हो गई बी के नीचे। तो आपके नीचे मान लेते हैं आपके और भी डायरेक्ट्स हैं जो क्वालिफाई कर गए हैं हाइपर पूल में। मान लेते हैं कि डी आ गया, डी से आपको 20 BNB मिल रहे हैं, और आपका फिर से डायरेक्ट आ गया ई, वो आपके नीचे प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट प्लेस नहीं होता, क्योंकि आप ही के डायरेक्ट है, वो आप ही को ढूंढते हुए आएंगे। तो आपका फिर से एक साइकिल कंप्लीट हो गया। जैसे ही आपका साइकिल कंप्लीट हो गया, आपको सिस्टम प्लेस करेगा फिर से लेफ्ट टू राइट, मतलब रेड के नीचे जो खाली जगह है वहां पे आपको प्लेस करेगा, और रेड को 20 BNB इनकम देगा। तो और रेड के राइट में और ब्लू का दो स्पॉट खाली हैं। इस दौरान अगर आपके फिर से दो लोग अगर क्वालिफाई करते हैं आपके डायरेक्ट, तो फिर से आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि छोटा सा स्ट्रक्चर है और आपके डायरेक्ट्स भी बहुत कम है, लेकिन यही लोग अगर आपकी टीम में अगर काम करने वाले हैं, तो देखिए इस छोटे स्ट्रक्चर में आप 4 बार अपना रिसाइकल कर चुके हो। 4 बार रिसाइकल करना मतलब 64 BNB की इनकम मिल चुकी है। मतलब ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट्स होना, एक ही दिन में ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल्स हो सकते हैं। अगर एक बार भी रिसाइकल हो गया तो 16 BNB, और एक ही दिन में अगर 2 बार रिसाइकल हो गया या 3 बार रिसाइकल हो गया, ये कभी कभी 4 या 5 या 10 बार भी हो सकता है। जैसे ही एक रिसाइकल किया तो आपको यहाँ पे 16 BNB यहाँ पे मिल सकते हैं, अगर वो आपके डायरेक्ट हैं। अगर इनडायरेक्ट है तो 12 BNB तो आपके यहाँ पे पक्के हैं। तो दोस्तों हमने अभी जान लिया कि प्लान किस तरह से काम करता है। तो हमने क्राउड पूल, क्विक पूल, रैपिड पूल, मेगा रैपिड पूल और हमने हाइपर पूल भी जान लिया। तो ये डिपेंड करता है कि आपको पहले लेवल से ज्वाइन करना है, जो भी आपको कितनी टीम बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा इनकम करने की इच्छा होती है, तो उनके लिए एक स्ट्रैटेजी है कि वो चाहें तो क्राउड पूल और क्विक पूल, मतलब पहला वाला और दूसरे वाला, 0.075 + 1 BNB, मतलब टोटल 1.075 BNB देके तो वो एट ए टाइम दोनों पूल एक ही साथ खरीद सकते हैं। नॉमिनल फीस भी होता है, तो टोटल मान लीजिए 1.2 BNB आपके पास होने चाहिए। तो मान लीजिए आपने दोनों स्लॉट आपने खरीद लिए, तो आप यही ट्राई कीजिए कि आप उतने ही अमाउंट की ज्वाइनिंग भी लेके आए। तो आपके यहाँ पे भी स्लॉट आपका ओपन है और क्विक पूल में भी आपका स्लॉट ओपन है, तो वो भी दोनों तरफ प्लेसमेंट होगी। जो भी आपका, मान लीजिए आपका ये को आप प्रेफर कर रहे हो, वो आएगा आपके क्राउड पूल में और यहाँ पे आपको देगा 0.05, और वही बंदा आएगा क्विक पूल में और वो आपको देगा 1 BNB। और मान लीजिए आपने दूसरे बंदे को, मान लीजिए आपने बी को रेफर किया 45,000 से, तो वो आपको क्राउड पूल में देगा 0.05 BNB और आपको क्विक पूल में देगा 1 BNB। तो आपका यहाँ पे भी पहला लेवल कंप्लीट हुआ और यहाँ पे आपको क्विक पूल में भी आपका पहला लेवल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपकी पहले लेवल क्राउड पूल में आपकी इनकम कितनी बनी, 0.08 BNB, और क्विक पूल में आपकी इनकम बन रही है 1.6 BNB। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया था वो ऑलमोस्ट रिकवर हो गया। तो यहाँ पे भी अपग्रेड होगा, क्राउड पूल में जो 0.08 BNB आपने किया था तो उसका आधा आपके वॉलेट में होगा और आधा आपके अपग्रेड होगा लेवल 2 में। और क्विक पूल में भी 1.6 BNB आपकी अर्निंग हुई है, तो उसका 50% जाएगा 0.8 BNB अपग्रेड के लिए और 0.8 BNB आपके वॉलेट में। तो इस तरह आप प्लान कर सकते हो, आपकी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो कि आपको सिर्फ पहला क्राउड पूल से ही आपको शुरू करना है या क्विक पूल से आप शुरू करना है। तो अगर किसी को बड़ा पैसा बनाना है तो दोनों स्लॉट सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको छोटा अमाउंट से शुरू करना है तो आप क्राउड पूल से ही जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था क्राउनेक्स का प्लान प्रेजेंटेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा